लाल किला सिग्नेचर मटन कुन्ना पाया, ये है मेरा फेवरेट। और भाई ये जो गला हुआ है ना इंतहाई से ज़्यादा, हाय 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 हाय, मज़ा आ गया भाई। यहाँ पे ये हलीम जो है ना, ये चेक करें आप, ये भाई जबरदस्त हलीम, ये आप ट्राई कर सकते हैं। अच्छा मैं ट्राई करूँ ये? हाँ सर। अभी हाथ के हाथ? जी सर। अरे यार ये जो है ना, ये बन कबाब है। कौन सा वाला बन कबाब है? कराची में ब्रॉन्स रूट का जो बन कबाब है, सेम वही है। आपके मुंह से कितना अच्छा लग रहा है कराची का ब्रॉन्स रूट। आप कभी आए कराची के ब्रॉन्स रूट? जी सर, मैंने वहाँ गया था, वहाँ खा के सेम टेस्ट यहाँ। नहीं यार, ये सर। जी सर, गोल गप्पे आ गए, चने आ गए। जब तक सरसों के साग पे मक्खन ना हो उस वक्त तक मजा कैसा आएगा, है ना? जो टन 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 आवाज आती थी ना बचपन में गली में ये वही वाली कुल्फी है। मैं उजिया तबारक और भाई हम मौजूद हैं अपने दोस्त उसाम और जुनेद के साथ दुबई में, और आज हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं भाई? लाल किला। आज हम जा रहे हैं लाल किला, कराची के लाल किला। मैं चंद दिन पहले गया था तो मैंने सोचा कि दुबई के लाल किला को भी भाइयों के साथ जरा एक्सप्लोर किया जाए और देखा जाए कि वहाँ पे भी वैसा ही टेस्ट है कि नहीं। तो कहाँ पे उसाम भाई? ये 2 दिसंबर स्ट्रीट पे है, जुमेरा का एरिया लगता है। जुमेरा पे 2 दिसंबर स्ट्रीट पे हम सब जा रहे हैं, लाल किला पहुंचते हैं, बाकी बातें वहीं करते हैं। तो फिर चलें। ये हम पहुंच गए हैं भाई 2 दिसंबर स्ट्रीट के ऊपर। पूरी रोड है ये और बहुत पुराना इलाका है ये। यहाँ पे देखें दोनों तरफ आपको जो है ना वो बड़े रेस्टोरेंट शॉप्स ये मिलेंगी, और यहाँ पे ये ऑफिसेज भी हैं, रेजिडेंशियल एरिया भी है। बहुत पुराना इलाका है ये दुबई का। हाँ भाई, पहुँच गए हम लाल किला दुबई, और यहाँ पे आके जो है ना वो अपना अपना लग रहा है, क्योंकि लाल किला हमारा अपना पाकिस्तान का कराची का रेस्टोरेंट है, और ना सिर्फ दुबई में है बल्कि अबू धाबी, जोहान्सबर्ग में भी है, जद्दा में भी जल्दी लाल किला ओपन होने वाला है। और वही थीम, वही बादशाना शाहाना माहौल है, तोप भी लगी हुई है, किले का माहौल बना हुआ है। चेक करते हैं जरा। हेलो, कैसे हैं आप? लाल किला का एम्बियंस तो भाई बड़ा जबरदस्त है यहाँ का भी, और मुझको वैसे ही थीम पूरी की पूरी नजर आ रही है। क्या क्या है हमारे मेन्यू वगैरह में? क्या हम लोगों के पास इंटरनेशनल कुजीन होता है, जिसमें हमारे पास नॉन वेज भी है, वेजिटेरियन भी है, चाइनीज की डिशेज भी है, और उसके अलावा कॉन्टिनेंटल की डिशेज भी है। ओके, देश राज भाई आप कौन से शहर से हैं? मैं इंडिया दिल्ली से। इंडिया दिल्ली से हैं आप, क्या बात है भाई। कराची का लाल किला, लाल किला वैसे है दिल्ली का ही, ऑफ कोर्स सर, लेकिन कराची का लाल किला ज्यादा मशहूर है वैसे खाने के मामले में। कराची लाल किला ज्यादा मशहूर है कंपेयर टू इंडिया। और आपको वही टेस्ट मिलेगा जो कराची में मिल रहा है यहाँ पे? श्योर सर, हम लोगों के पास, हम लोग उनके स्पाइसेस, उनकी वैरायटीज, उनका सारा कुछ हम लोग सेम चीजें यहाँ पे सर्व करते हैं। क्योंकि मैं जो हूँ ना वो कराची के लाल किला का फैन हूँ, और मुझे वहीं पे पता चला था कि ये जो फ्रेंचाइज है दुबई में, अबू धाबी में, जोहान्सबर्ग में, और जद्दा में भी अब जो खुलने वाली है, वहाँ पे वही रेसिपीज लॉक हुई हुई है। यहाँ पे शेफ बेस्ड फ्रेंचाइज नहीं है ये, बल्कि ये सारी रेसिपी बेस्ड फ्रेंचाइज है। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हमें रौनक नज़र आ रही है भाई, शेफ से भी यहाँ पे मुझे नज़र आ रहे हैं बहुत सारे काम करते हुए। तो ज़रा किचन की साइड भी इनकी एक्सप्लोर करते हैं और कुछ टेस्ट भी करते हैं। जरूर जरूर सर। सर हमारे एग्जीक्यूटिव शेफ। अच्छा अच्छा, साहब कैसे हैं आप? ठीक ठाक है, ज़बरदस्त। और आप कहाँ से हैं, कौन से शहर से, कौन से मुल्क से? मैं बांग्लादेश के हूँ। अरे भाई वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। ये देखें भाई, ये भाई बांग्लादेश से, देश भाई इंडिया से, और हम पाकिस्तान से, क्या बात है भाई। पूरा का पूरा साउथ एशिया यहाँ पे आ गया है, लाल किला की क्या बात है। ये बात। फजलू भाई आप हेड शेफ हैं यहाँ पे? यस सर। हैं, क्या क्या है हमें जरा दिखाए ना थोड़ा सा, यहाँ से हम देखते हुए आते हैं। बारबेक्यू सेक्शन में है सर। अच्छा, ये बारबेक्यू सेक्शन है जी। इधर मटन रेंगो कबाब है। मटन रेंगो कबाब जी, फिश पजीता टिक्का, चिकन तिलोला टिक्का। ओके, बिहारी बटी सर। वाह भाई, ये हमारा लाइव है, इधर चल रहे हैं। वाह भाई वाह, मटन कबाब ये आप ट्राई कर सकते हैं। अच्छा मैं ट्राई करूँ ये? अभी हाथ के हाथ? जी सर। अरे यार ये जो है ना, जुनेद भाई ट्राई करें भाई, शेफ ने जो है ना वो फौरन कह दिया है। हम तो अभी विजिट ही कर रहे थे कि क्या क्या है,
लेकिन इन्होंने कहा कि ये मटन कबाब अभी के अभी ट्राई करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सर। फजलू भाई छा गए। थैंक यू सर सो मच। बहुत ही ज़बरदस्त जूसी कबाब और टीमे का जो टेस्ट है ना वो बहुत ज़बरदस्त इसमें आ रहा है। इंतहाई फ्रेश माइल्ड है, स्पाइसी नहीं है ज़्यादा, बहुत मज़ेदार है। बिरयानी चेक करो भाई, ज़बरदस्त बिरयानी। मटन कढ़ाई, मटन कढ़ाई, ओके बटेर। ये देखे भाई यार, प्रॉन का साइज भी अच्छा है यार, माशाल्लाह है। गर्मा गर्म यहाँ पे नान बन रहे हैं, ये दिल वाले नान लाहौरी है। कहाँ से हैं आप? फैसलाबाद और लाहौर तो पास पास में ही है ना भाई है। ये आपके स्टाइल से मैं समझ गया कि ये हमारे पंजाब के नान कुलचे हैं ये। ओहो इधर पराठे बन रहे हैं भाई। ओहो लच्छा पराठा, लच्छा पराठा। आप कौन से शहर से? लाहौर से भाई। वाह 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 वाह, ये कितनी अच्छी बात है यार यहाँ पे कि जो है ना ये इंडियन पाकिस्तानी बांग्लादेशी सब लोग मिलजुल के इतने ज़बरदस्त तरीके से टीम वर्क के साथ काम करते हैं। बड़ी खुशी होती है जब आप मुल्क से बाहर निकलते हैं ना, ये भाईचारा देख के मज़ा आ जाता है। गर्मा गर्म जलेबी, गर्मा गर्म जलेबी। ये गई शीरे में भाई जलेबियाँ हैं। वाह जी वाह, गरम गरम कुरकुरी जलेबी फ्रेश फ्रेश। अच्छा जी यहाँ पे ये पूरा बारबेक्यू का स्टेशन है, यहाँ बारबेक्यू का सीन चल रहा है। और यहाँ पे ये आप देखें भाई, ये आ गई बिरयानी जी, ये चिकन मसाला बिरयानी। यहाँ पे शेफ निकाल निकाल के इसको फिल करते रहते हैं और लोग आके खाते रहते हैं। इसके बराबर में ये हलीम, यहाँ पे ये हलीम जो है ना ये चेक करें आप, ये भाई ज़बरदस्त हलीम और हलीम के सारे लवाजमात यहाँ पे रखे हुए हैं। ये कीमा आ गया भाई, ये है मटन कढ़ाई, ये आ गई यहाँ पे, ये मटन कढ़ाई चल रही है फुल सर, सीन ऑन। इसके बाद ये आ गया मटन कुन्ना पाया, ये है मेरा फेवरेट लाल किला सिग्नेचर। ये सर लाल किला स्पेशल डिश, बेहतरीन हो गया ये तो भाई। और यहाँ पे आ जाए आप तो ये टेम्पुरा, टेम्पुरा प्रॉन, प्रॉन टेम्पुरा तो अभी हाथ के हाथ ट्राई करने चाहिए। आप ये ट्राई करें बीफ बिहारी बोटी। अच्छा नहीं यार, टेम्पुरा ट्राई करने के चक्करों में हूँ मैं भाई। ये जुनेद भाई खा रहे हैं यहाँ पे बारबेक्यू, इसी में हम थोड़ा सा प्रॉन टेम्पुरा डालते हैं अपना। शाम भाई आप भी ट्राई करें प्रॉन टेम्पुरा, प्रॉन प्रॉन टेम्पुरा ट्राई करें। बहुत गरम गरम है लेकिन गरम गरम खाने में ही तो मज़ा है ना। गरम गरम बिस्मिल्लाह। बहुत यम्मी, अमेजिंग। प्रैक्टिस चाहिए होती है गरम गरम खाने के लिए। प्रैक्टिस और आपका एक्सपीरियंस है ना सर, एक्सपीरियंस तजुर्बा, तजुर्बे की बात है ना भाई। जी सर, मगर वाकई माय फेवरेट। ये आ गई चिकन बटर क्रीम, बटर चिकन। यस सर, ये हो गया हमारे मटन यखनी पुलाव जी। वाह एक से बढ़ के एक आइटम है। यस सर, ये है चिकन, ये आ गया चिकन अचारी। ये देखिए भाई ये आइटम सारे यहाँ पे ये ले रहे हैं और तरह तरह के आपको यहाँ पे नान नज़र आ रहे हैं। रोगनी नान, कलौंजी वाला नान, आलू पराठा, आलू का पराठा, बेसन की रोटी, लच्छा पराठा, तंदूरी रोटी। खाने वाले भी नज़र आ रहे हैं, खाने वाले भी नज़र आ रहे हैं माशाल्लाह। खा खा के ऐसे बन गए हम लोग, आप यहीं का खाना खा के बने हैं। लेकिन आपने माशाल्लाह फिटनेस आपकी ज़बरदस्त है, मुझे आपसे इंस्पिरेशन ले मिल रही है। ये यहीं का खाना खाने से बने सर, ये खाना खाने से अगर ऐसे बनते तो मैं क्यों नहीं बन पा रहा अभी तक। नहीं नहीं आप भी बनेंगे। आपकी मेरी उम्र में फर्क है सिर्फ। फ्रेश लगा हुआ है किस, चपली कबाब। यस सर, ओके। सरसों का साग भी आ गया भाई, एक वेजिटेरियन आइटम आया भाई पहला है भाई। सरसों का साग, रोटी भी है, मकई की रोटी, सरसों का साग। ये अच्छी बात है कि आपको जो है ना वो मुगलई खाना भी मिलेगा और गांव का खाना भी मिलेगा, सब कुछ खाना मिलेगा। अच्छा ये यहाँ से जो है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारा आपको नॉन वेज आइटम मिल रहे हैं। और अब यहाँ से शुरू हो रहा है ये वेजिटेरियन, ये सारे वेजिटेरियन भाई आ गए। ये पापड़ हमारे
जी अचारी। इसके बाद आ गए ये अचारी बैंगन, वाह भाई वाह। इसके बाद आ गए चना करी, वाह। ये आलू, ये इसके बाद आलू की भुजिया आ गई, काजू मटर पनीर। हाँ भाई, ये नहीं है हमारे कराची वाले में, क्योंकि ये थोड़ा सा ज़्यादा इंडियन आइटम है, इंडियन का फेवरेट डिश। हाँ, ये मैं ट्राई करूँगा अभी। शाही मिक्स दाल आ गई और चावल भी आ गए, सरसों का साग, दाल, चावल, वाह भाई वाह। वेजिटेबल चाउमीन, चाइनीज कॉन्टिनेंटल डिशेज शुरू हो गई यहाँ पे। ये आ गए भाई वेजिटेबल चाउमीन, उसके बाद आ गए आप वेजिटेबल फ्राइड राइस, और फिर यहाँ पे चिकन चिली विद मशरूम। ओह, अंदर देखें आप किचन में। ये आ गई फिंगर फिश, लॉरी स्टाइल फिंगर फिश। ओके, और ये आ गए भाई पिज्ज़ा, समोसे, फ्राइज, रोल्स। ये बच्चों के लिए खास तौर पे हैं जी सर, फ्राइज वगैरह आ गए भाई। चले यहाँ से आप आगे आ जाए तो ये डेजर्ट बार इंक्लूडेड है हमारे उसमें, ओके। यहाँ पे ये बार है, और फिर ये डेजर्ट जो है ना ये यहाँ पे आ जाएगा आपकी। ये जलेबी आ गई है, जलेबी तो बड़ी ज़बरदस्त तैयार हो रही है वहाँ पे। गुलाब जामुन गर्मा गर्म। उसके बाद ये सूजी का हलवा, यहाँ पे तरह तरह की मिठाइयाँ, डेजर्ट्स, लड्डू, शाही लड्डू, ओहो, बर्फी, तरह तरह की मिठाइयाँ यहाँ पे रखी हुई हैं। यहाँ पे ये क्या क्या चीज़ें रखी हुई हैं भाई? ये मिक्स पेस्ट्री है, चॉकलेट है, उसके बाद तंदूर फ्री मिक्स वाले पेस्ट्री जो पीक है, वाह भाई वाह। और पेस्ट्री इधर केक है, वेरी नाइस। टोटल कितनी डिशेज है शेफ यहाँ पे? ये 100+ सर। 100+ जी सर, सारी सैलेड वैलेड सब मिला के। वाह भाई वाह भाई, इतनी सारी डिशेज हैं यहाँ पे, और बगैर रिजर्वेशन के यहाँ पे जो है ना वो टेबल मिलना बहुत मुश्किल है भाई सर। और इतनी मजे की चीज़ें, अब रहा नहीं जा रहा, हम टेबल पे भी बैठते हैं और कुछ ट्राई करते हैं जी सर। भाई ये कुल्फी भी है यहाँ पे, और यहाँ पे जो है ना वो हमारे दोस्त शाम भाई ने ज्वाइन कर लिया है। शाम भाई, कुल्फी आपके लिए सबसे पहले कुल्फी एपेटाइजर। कैसे हैं आप? ठीक ठाक है, जबरदस्त। थैंक यू, श्योर। सारी चीज़ें हो गई या कुछ बाकी है? सर अभी बाकी है, यार ख़त्म ही नहीं हो पा रही चीज़ें भाई। तवा फिश लगी हुई है यहाँ पे, ये तवा फिश है भाई, पेशावर की स्पेशलिटी जी सर। ये हमारे पेशावर में तवा फिश बनती है, बड़ी ज़बरदस्त। घंटा घर के पास एक चाचा है, वो बड़ी आला किस्म की तवा फिश बनाते हैं। और ये भी मुझको बोनलेस लग रही है, ये जी बोनलेस है ना भाई। ये फिश भी हाथ के हाथ हम टेस्ट करेंगे यार, ये जो है ना ये, ओ हो हो भाई क्या ज़बरदस्त फिश लग रही है ये। चलें भाई जुनेद भाई ट्राई करें फिश, तवा फिश, बिस्मिल्लाह। वेरी सॉफ्ट, मैरिनेशन माला आला है यार। थैंक यू सर। ज़बरदस्त। चाट मसाला भी है क्या अलग से? नहीं, भाई ये शेफ़ ने कहा है कि लेमन थोड़ा सा डाल लो, लेकिन फजलू भाई ये चाट मसाला तो होना चाहिए यार। चाट मसाला भी है, लेमन स्पेशल इसमें डालने से उसका टेस्ट अलग है, मज़ेदार। असल में चाट मसाला जो है ना वो कराची स्पेशल है। ओके, मसाला हम तेज़ खाते हैं ना थोड़ा सा, यहाँ पे जाहिर सी बात है कि मल्टीनेशनल लोग आते हैं तो थोड़ा सा बैलेंस स्पाइसिस जोर से होने चाहिए। मज़ा आ गया भाई जुनेद भाई, लेमन के साथ ट्राई करें। इंतहाई फ्रेश, मज़ेदार फिश। मसाला तो है लेकिन फ़िश का अपना टेस्ट भी आ रहा है, और असल में अगर आपको फ़िश का टेस्ट लेना है ना तो होता यही कि आप इसको हल्का सा ग्रिल करें, सॉल्ट एंड लेमन डालें और फ़िश का मज़ा लें, तो इसके अंदर जो आपको ऑथेंटिक फ़िश का जायका है वो मिल रहा है। ज़बरदस्त, बादशाह सलामत आपको हम ढूँढ रहे थे लाल किला में, आप मिले नहीं हमें, कहाँ थे ज़िले लाही? ढूंढोगे हमें मुल्कों, ओहो मिलने के नहीं, नायाब है हम। कैसे हैं आप? ठीक है। हाले दिल सबसे छुपाने में मजा आता है, मगर वो पूछे तो बताने में मजा आता है। हाय हाय हाय, मगर वो पूछे तो बताने में मजा आता है। वाह 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 वाह। सोशल मीडिया पे इनके बहुत चर्चे हैं, इनका चैनल चले स्ट्रीट फूड पी के, स्ट्रीट फूड चले। और जिया तबारक साहब और उनके हम नशियों को हम लाल किला दुबई रेस्टोरेंट में
शाही अंदाज से शाह ने सारे इस्तकबाल करते हैं। जब ये बोलते हैं चले तो दिल करता है कि हम जहाँ बैठे हैं वहाँ से बस उठ के चल दें। ये चले का लफ्ज़ में इतनी अपनाया थे, इतनी मोहब्बत है। इसी पे हम एक शेर कहेंगे, पैदल चलना मजबूरी नहीं मसलियत है, खुद को गर्माता हूँ रफ्तार में रहने के लिए। वाह 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 वाह, खुद को गर्माता हूँ रफ्तार में रहने के लिए। बहुत अच्छा लगा। सल्तनत का ख्याल रखिए। या तबारक साहब के मोहब्बतों में दिखावे की दोस्ती ना मिला, गले नहीं लिखता है तो फिर हाथ भी ना मिला। वाह 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 वाह, भाई छा गए जिले लाई ने तो कुछ बोलने का मौका ही नहीं दिया हमको। अब हम जरा बैठते हैं और कुछ खा पी लेते हैं। आप भी आइए जरा, कुछ फरमाइए। आप खा पी के ताज़ा दम होके आइए, एक बार फिर हम आपसे चले जबरदस्त। तो फिर चले, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। भाई लाल कला के मुख्तलिफ तरह के आइटम्स हमारी टेबल के ऊपर आ गए हैं। और इससे पहले कि मैं खाना शुरू करूं, आप लोगों को बता दूं कि अगर यूके, यूएसए, कनाडा में आप चाहते हैं और किसी और भी मुल्क में कि लाल कला की फ्रेंचाइज आप वहां पे ओपन करें, तो यहां पे आपके स्क्रीन के ऊपर ईमेल एड्रेस भी आ रहा है, नंबर भी आ रहा है, आप यहाँ पर रब्ता कर सकते हैं और पाकिस्तान के कराची के लाल कला का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर सकते हैं। जैसे यहाँ दुबई में, अबू धाबी, जोहान्सबर्ग में रोशन हो रहा है माशाल्लाह, और सून जो है ना वो जद्दा में भी लाल कला ओपन होने वाला है। आइटम बहुत ज़बरदस्त है भाई, क्या ट्राई करें सबसे पहले? मुंह में पानी आ रहा है भाई। भाई मैं तो स्टार्ट करूँगा जुनेद भाई सरसों का साग और मकई की रोटी से। थोड़ा बटर भी दिया हुआ है इन्होंने, ये देखें आप। जब तक सरसों के साग पे मक्खन ना हो उस वक्त तक मज़ा कैसा आएगा, है ना? मकई की रोटी, सरसों का साग है। तो यहाँ पे बहुत सारे आइटम, लेकिन क्योंकि ये दुबई है और दुबई में जो है ना वो बांग्लादेश भी है, इंडिया भी है, तो वेजिटेरियन आइटम से हमने इजारे यकजहती के लिए बिस्मिल्लाह किए हैं भाई, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे हमारे इंडियन कस्टमर्स भी मुझे नज़र आ रहे हैं लाल कला में। बिस्मिल्लाह भाई, सरसों का साग इससे जो है ना वो मैं पहुँच गया हूँ बांसुरी में, पलंग बिछा हुआ है, ठंडी ठंडी गाँव की हवा चल रही है, पीछे भैंसे बंधी हुई हैं, माहौल बन गया माहौल बन गया भाई, मज़ा आ गया लाल किला में, मज़ा आ गया, गांव का माहौल बन गया। ज़बरदस्त अल्लू भाई, ज़बरदस्त। ये देखो भाई लाहौरी तिल वाले नान, ज़बरदस्त। और यहाँ पे रखा हुआ ये काजू मटर पनीर, ये भी जो है ना ये खास वेजिटेरियन डिश है। क्या मसालेदार जायका यार। ये भाई मटन कुन्ना पाया, और भाई ये जो गला हुआ है ना इंतहाई से ज़्यादा पूरा पाया है ये। हाय 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 हाय, मज़ा आ गया भाई, आराम से दिया भाई, आराम से। यार अभी दो वेजिटेरियन आइटम खाएं उसके बाद पाया सामने आया है। अब आया है ना असल आइटम सामने, हट जाओ अब। ये मटन छोड़ना पाया, यार सारा तो इन्होंने निकाल लिया, हम क्या खाएंगे? अल्टीमेट अल्टीमेट है, है। अच्छा है, है। ज़बरदस्त है यार, मज़ेदार। ये लच्छा पराठा, लच्छे पराठे को आप खाएं भाई, ये मीठी मटर और कीमा, मेथी मटर कीमा भी ट्राई कर लें थोड़ा सा। वाह 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 वाह, घर के जायका के याद आ गए भाई। वो तो आपने कॉम्बो जो मटर मेथी बोला ना, हमारी वालदा बनाती है ये मेथी वाला जो कीमा होता है ना घर का, यार बाकी घर का लग रहा है ना, बहुत ही घरेलू टेस्ट है। पब्लू भाई से ना वो जरा वो आ गई है वाइब वाली। यहाँ पे भाई ये कढ़ाई भी रखी हुई है, मटन की कढ़ाई, इंतहाई सॉफ्ट गला हुआ गोश्त मटन कढ़ाई का। ओके की रिपोर्ट है। जो शनवारी स्टाइल की कढ़ाई होती है वैसी नहीं है, जो दूसरी स्टाइल की होती है ना कढ़ाई, अच्छी मज़ेदार है। देखें रोगनी नान है कॉलोनी वाले, बहुत ही आला। और ये है बटर चिकन, कलौंजी का अपना जायका है यार, कलौंजी वाले नान की बात अलग है। बटेर लाल कला स्पेशल, ये बटेर जो है ये फ्राइड है, फ्राइड बटेर, चरहे का चटपटा मसाला और बटेर का मीट। अच्छा पहले बटेर यहाँ पे पहले था, मिला नहीं करता, तो लाल किला ही आया करते थे बटेर। हाँ बटेर
वहाँ पे भी बटेर लाल किला ने शुरू किया था सर। ये भाई बिहारी बोटी। हाँ जुनैद भाई, आपने बिहारी बोटी उस वक्त खाई है पहले? सर मुझे बहुत अच्छी लगी, एक ये और एक कबाब जो है इनके मटन के, बहुत अच्छे, बहुत सॉफ्ट, बिल्कुल गरीबी, चटपटी, मसालेदार, थोड़ा तेज स्पाइस है क्योंकि बिहारी बोटी में यूजुअली होता है, लेकिन फिर भी उसके मुकाबले में थोड़ा सा इन्होंने कंट्रोल रखा है, स्टिल वेरी नाइस। ये भाई सर, ये तो आपने बहुत शुक्रिया भाई, शेफ स्पेशली हमारे लिए टेबल पे लेकर आए हैं ये अंडे वाला बन कबाब, बंस रोड के हमने बोला था, आपने बोला ये हमने खाया नहीं है, ये खाया नहीं। ये चीज, ये आ गई भाई चटनी, क्योंकि जो बन कबाब है ना, इसको जब तक आप ये चटनी में डुबाएंगे नहीं, जब तक बंस रोड वाला माहौल बनेगा नहीं। बिस्मिल्लाह। वो कबाब है ना, वो दाल का कबाब है ना भाई, दाल का कबाब है ना, दाल का कबाब हो, अंडा हो और बन हो, चटनी का गेम है, चटनी मजेदार, खट्टी, जबरदस्त। आ गए आप? थैंक यू सर। ये आ गए भाई हमारे लेमनेड है भाई, और अगर आप लोग मेरी वीडियोस देखते हैं तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि इतने हैवी खाने के साथ लेमनेड तो हमें चाहिए होता है ना, और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या सोच रहे हैं आप लोग हैं, वीडियोज़ देखते रहते हैं सब्सक्राइब नहीं करते, भाई अभी सब्सक्राइब का बटन दबा दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ठीक है? भाई ने भरम करा दी है, लाइक करना है, ठंड पड़ गई, सब्सक्राइब कर दिया अब तक के नहीं। चिपली कबाब टेस्ट कर रहे हैं उसाम भाई, कैसा है? पिशावर है पक्का? भाई ने बोला पिशावर, चेक करता हूँ कि है कि नहीं। अच्छा है, करीब है पिशावर के, करीब है, करीब, मगर यहाँ रहते हुए करीब करीब दुबई में, दुबई में, दुबई के लिए बेहतरीन, बेहतरीन, क्योंकि हमने बहुत ट्राई किए हैं चपली कबाब, हमें पिशावर नहीं मिला भाई। असली असली तलवार है ना ये, इससे सर्वर कलम हो जाएगा, क्यों नहीं सर, है सल्तनत पे कब्जा कर लूं? हाँ क्यों नहीं कर लूं? आपने जा यार, ये पहला बार है, ये आपका तो दिल पे कब्जा है, क्या मायने रखती है? अरे 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 भाई, ऐसा नहीं है जी, यहाँ यहाँ मैं पिघल गया, यहाँ मैं पिघल गया, जिया साहब के तुम्हें ये सर नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है जिया साहब के तुम्हें ये सर नहीं मिलेगा, मगर हमारी आंखों में तुम्हें ये डर नहीं मिलेगा, मगर हमारी आंखों में तुम्हें ये डर नहीं मिलेगा। ये सतारा इम्तियाज आपका हुआ, क्या बात है, वाह वाह भाई वाह, अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी वीडियो वगैरह, अच्छा 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 अच्छा, किस क्या, किस नाम से आपका टिकटॉक बता दें? और कौन सी शहर से हैं आप? मैं दुबई में रहती हूं, यहीं पैदा हुई, यहीं पर हूं। अच्छा अच्छा, वैसे पाकिस्तान से या कराची से? ओके, आपने लाल किला गए थे ना, हमने सब देखा था। अच्छा 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 अच्छा, जबरदस्त जबरदस्त, हम दुबई के लाल किला भी आ गए, दुबई के लाल किला भी आ गए, आपने सब देखा? जी जी जरूर जरूर। चलो भाई मार्शमेलो, मज़ा आता है इसको जो है ना, ये जब आप चॉकलेट डिप करते हैं ना इस तरह, और ये आप हाथ के हाथ मार्शमेलो चॉकलेट, ये सारे आइटम है, क्या खाएं क्या ना खाएं है, ये आ गए भाई कुल्फी, ये ले जुनैद भाई कुल्फी खाएं, थैंक यू सर, बड़ी लंबी कुल्फी। अच्छा ये कुल्फी गई और ये अब जमने के लिए रख दी जाएगी है भाई, एक कुल्फी हम भी खाएंगे। ये चीज मेरी अजीज, पाकिस्तानी स्टाइल की अपनी लोकल कुल्फी ठेले वाली, मैं तो एक बाइट ऑलरेडी ले भी चुका हूँ, वेरी नाइस, भला यार खोए वाली कुल्फी, जो टन 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 आवाज आती थी ना बचपन में गली में, जो गली में हो, ये वही वाली कुल्फी है, वही टेस्ट है, वेरी नाइस, वही मजा है, भला है, मजा आ गया भाई। गोले गंडे इधर हमारी चल रही है कुल्फी, यहाँ बन रहा है गोला गंडा, स्टिक में भी आप बनवा सकते हैं, हमने बनवाया बोल में। यार स्कूल के टाइम याद आ गए, पैसे बचा के बाद में आखिर में लेते थे गोला गंडा, वाह जी वाह, ये आ गया भाई गोला गंडा, बर्फ के अंदर आप इसको ऐसे मिक्स कर लें ताकि सारे सिरप्स अच्छे तरीके से बर्फ में चले जाए, गोला गंडा। ये जो मौसम है ना भाई, दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च तक भी ये बेस्ट मौसम होता है, और वहाँ जहाँ अगर आप सर्दी के इलाकों में रह रहे हैं ना, तो यहाँ पे आएँ और ये गोले गंडे कुल्फियाँ भी इंजॉय करें, मज़ा आ गया भाई।
हाँ भाई, खाना तो हमने खा लिया और MS धोनी जो एक लेजेंडरी क्रिकेटर है इंडिया के, उनकी एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें उन्होंने कहा कि यू हैव टू गो टू पाकिस्तान वंस जस्ट फॉर फूड। तो अगर आप पाकिस्तान नहीं आ सकते तो भाई आप दुबई तो आ सकते हैं, और दुबई में लाल किला के ऊपर आप मज़े मज़े के पाकिस्तानी खाने जो है ना वो इन्जॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पर आइए, अबू धाबी जाइए, जोहान्सबर्ग जाइए और कराची भी आइए। तो इंशाल्लाह ताला जद्दा में भी सीन ऑन होने वाला है जैसा मैंने आप लोगों को बताया। आज की वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक करें, और लाल किला कराची की वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आ रहा है उसको जाके देख लें। तो फिर चलें।